नरेंद्र दामोदर दास मोदी, एक ऐसा नाम जिसकी लोकप्रियता का देश ही नहीं दुनिया भी लोहा मानती है। मोदी केंद्र में दो बार पूर्ण बहुमत की सरकार की अगुवाई कर चुके हैं। 18वीं लोकसभा के लिए तीसरी बार भी मोदी एनडीए की ओर से प्रधानमंत्री पद का चेहरा होंगे। वैसे तो मोदी का रिटायर होने जैसा कोई इरादा नहीं है, लेकिन इंडिया टुडे मूड ऑफ द नेशन सर्वे ने देश का मिजाज टटोला कि मोदी का उत्तराधिकारी बनने के लिए सबसे सही चेहरा कौन सा है। इसके जवाब में 29% लोगों ने अमित शाह का नाम लिया, वहीं 26% लोगों ने योगी आदित्यनाथ को चुना। तीसरे नंबर पर नितिन गडकरी हैं, जिन्हें चुनने वालों की संख्या 15% थी। अमित शाह गृह मंत्री हैं और लंबे अरसे से प्रधानमंत्री मोदी के सबसे करीबी हैं। अमित शाह ही वो रणनीतिकार हैं जिनके बूते बीजेपी एक के बाद एक चुनावों में जीत हासिल करती गई और आज दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल के तौर पर जानी जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबसे करीबी नेता भी अमित शाह ही हैं। हालांकि लोगों की पसंद के मामले में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पीछे नहीं हैं। देश के 30 राज्यों में जब लोगों से पूछा गया कि बतौर मुख्यमंत्री सबसे बढ़िया प्रदर्शन किसका है, तो कुल 43% लोगों ने कहा कि योगी आदित्यनाथ देश के बेस्ट परफॉर्मिंग चीफ मिनिस्टर हैं, जबकि 19% लोगों ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का नाम लिया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का नाम लेने वालों की तादाद 8.8% थी। वहीं 5.6% लोगों ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन को सर्वश्रेष्ठ सीएम बताया। इस सवाल पर ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक के कामकाज को पसंद करने वालों की तादाद 3% रही। जाहिर है योगी आदित्यनाथ किसी भी अन्य मुख्यमंत्री की तुलना में काफी आगे बने हुए हैं। योगी की कामयाबी को पसंद किया जाना भी समझा जा सकता है। देश के सबसे बड़े राज्य में योगी ने कानून और व्यवस्था का जो मॉडल पेश किया है, उसको लोग खास तौर पर पसंद करते हैं। इसके अलावा अपनी कार्यशैली में हिंदुत्व के प्रयोगों ने भी योगी को लोकप्रियता के शिखर पर पहुंचाया है। योगी की बुलडोजर शासन प्रणाली के आलोचकों की संख्या कम नहीं है, लेकिन इसके दीवानों की तादाद कहीं ज्यादा है। ऐसे में जब बात मोदी के उत्तराधिकारी की होती है, तो यहां शाह और योगी के बीच सीधी टक्कर साफ दिखाई देती है। चुनाव आज तक।